पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, मैं बताता हूँ क्यों। कुछ 24-25 साल पहले मेरा नाम आदित्य होते हुए भी लोग मुझे पोटला पोटला कहकर बुलाते थे, और ये सब हुआ एक फिल्म की बदौलत, और वो थी इस पोटले की दूसरी फिल्म परदेश। आज उस फिल्म के 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा परदेश फिल्म की लीड एक्ट्रेस, मेरी बड़ी बहन गंगा, द वन एंड ओनली महिमा चौधरी। wow. बुलाना चाहते हैं उन्हें जिनके बिना परदेश मूवी बनी नहीं पाती, द शोमैन हिमसेल्फ मिस्टर सुभाष घाई। लेकिन wow. हम उन्हें ऐसे नहीं, पोटला चैनल के सबसे हिस्टोरिक गाने के साथ बुलाएंगे, तो हो जाए। Sim sim pola pola sim sim pola sim sim pola pola sim sim pola fine flat loop pipe petola petola drum drone duplet symbola symbola hare rama 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 hare hare krishna 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 सालों तक लोगों का प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है, तो सर महिमा जी हाउ डज इट फील? परदेस विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो मुझे ये जो ब्यूटीफुल गाना आपने कंपोज किया ना, आई लव माय इंडिया, मैंने नहीं किया, नदीम-श्रवण ने किया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। हर 26 जनवरी को और 15th ऑफ अगस्त को ये बजता है और लोगों को मेरी याद आती है, सो फॉर 25 इयर्स ये रिमाइंडर रहा है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे आई लव माय इंडिया वाली आंटी, यू नो, सो आई एम ट्रूली इंडेबटेड टू यू फॉर हैविंग कास्ट मी, आई एम सो इमोशनल इवन सेइंग दिस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। 25 साल कैसे गुजर गए हमें भी मालूम नहीं। मुझे लगता कि कल मैं फिल्म लिख रहा था, फिर शाहरुख आए, फिर न्यू कमर का कास्टिंग हुई, 110 ऑडिशन मैंने लिए होंगे अलग अलग, और उसके बाद जो चुना गया वो आपके सामने है। एंड शी प्रूव्ड, शी गॉट फिल्म फेयर अवार्ड एज अ बेस्ट एक्टर। वाओ। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, they are wonderful singers and god bless them, I love you all। ek bar zordaar taaliyan ho jaye the showman subhash ghai and mahima chaudhary। so presenting jinki aawaz kohinoor se bhi zyada rare hai, adya mishra। तो हाँ
मुझे आप फिर से उस रिकॉर्डिंग में ले गए जहाँ पर रेशमा जी थी और ये गाना महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। क्या बात है? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसके लिए। मैं एक दिन राज कपूर साहब की पार्टी में गया और उस पार्टी में रेशमा जी आई हुई थी, फोक सॉन्ग सुना रही थी वहाँ पर, और मैं इतना मोहित हुआ कि दूसरे दिन मैं लक्ष्मीकांत जी के पास गया और कहा कि लक्ष्मी जी एक गाना हमने रेशमा जी का भी रखना है। वो एक होटल में ठहरी हुई थी। आप सच्ची मानना, मैं आज राज की बात बताता हूँ कि मुझे 7 दिन तक लगातार उस होटल में जाना पड़ा उनको कन्विंस करने के लिए कि आप मेरे लिए गाना गाइए, और उन्होंने गाया फर्स्ट टेक में ओके गो गाना। ये गाना इतना लेजेंडरी गाना है और रेशमा जी की आवाज में जो वो दर्द और एक आजादी और वो जो कश्मकश और सारी चीजें जो हैं वो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से ही कहीं ना कहीं अपनी आवाज में आती है, और वो आद्या ले आ रही है इस मंच पर अपनी इतनी छोटी सी उम्र में। ये लड़की है जो आगे जाके सच में बहुत हमको प्राउड करेगी। शी विल बी रिकॉर्डिंग लॉट ऑफ सॉन्ग्स, शी विल बी मेकिंग हिस्ट्री इन हर ओन वे। थैंक यू सो मच। ये परफॉर्मेंस जो है ये हिट से ज्यादा लिट है। लास्ट जो परफॉर्मेंस था मेरा, तो वो मेरा फर्स्ट हिट रेट था, एंड मैंने उसके जो ये गोल्डन कॉन्फेटियर्स का पीस अपने पास बजा के रखा था और मैंने मॉम को दिया था अपने। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उस परफॉर्मेंस के बाद आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम अ डिफरेंट आद्या, बिकॉज दैट हैज मोटिवेटेड मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।